ਸੋ ਕਾ ਔਰ ਫਿਊਰ ਬੇ ਕਾ ਔਰ ਸਤਰੁਮ ਸੋ ਬੇ ਕਾ ਅੱਜ ਮੈਚ ਹੈ ਸਤਰੁਮ ਸੋ ਬੇ ਔਰ ਫਿਊਰ ਬੇ ਦਿਸ ਕੱਲ ਸਪਿੱਲੇ ਦਾਗ ਉਮਰ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਤਰੁਮ ਸੋ ਬੀ ਕੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਆਪ ਟਾਸ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੈਸਾ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ हमने टॉस इसीलिए टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया क्योंकि बॉलिंग हमारी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अगर हम 150 या 160 का टारगेट देते हैं तो इंशाल्लाह हम उसको डिफेंड कर लेंगे आप ये समझते हैं कि 150 और 160 रन बहुत होंगे फ्यूर के लिए बहुत होंगे और आप इजीली मैच जीत सकते हैं तो आपकी क्या स्ट्रॉन्ग है बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों स्ट्रॉन्ग है लेकिन क्या नाम बॉलिंग हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है ये नहीं कि बैटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है इसीलिए पहले बैटिंग का फैसला किया और चेस करने में हमेशा दूसरी टीम को इजी नहीं होता उनके लिए चेस करना मुश्किल आती है उनको तो यही है कि 150-60 का टारगेट अगर हम कर लेते हैं तो उनको टारगेट 150-60 का दे देते हैं तो इंशाल्लाह हम उससे आसानी से डिपेंड कर लेंगे आप आसानी से जीत सकते हैं आप चलें गुड लक आपके लिए उमर भाई थैंक यू वेरी मच फ्यूर के कप्तान धीरेंद्र हमारे साथ हैं धीरेंद्र भाई एक तो वो टॉस जीती है आज सतरुम सो और उनका ये कहना है कि हम पहले बैटिंग करेंगे और 150 और 60 रन बहुत होंगे आपके लिए आप कैसा देखते हैं इसको नहीं अगर हम देखें मौसम इतना अच्छा आउटफील्ड इतना अच्छा दिख रहा है तो 150-60 यहाँ के लिए कोई बहुत खास नहीं है पिछले मैच में भी हमारे 170 हमने बनाए थे पिछले मैच में ठीक तो 30 ओवर पूरा खेल के 170 बनाए थे अगर वो 160 सोच रहे तो उनकी सोच है लेकिन अच्छी बात है आप ये समझते हैं कि 160 कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए हमारी टीम में अच्छे बैट्समैन हैं तो लास्ट मैच में हमारा देखते हुए लास्ट मैच में हमारे 170 रन थे और आप इजीली वो जीत गए थे मैच नहीं हमारे थे क्योंकि उन्होंने सेकंड टीम ने और अच्छा खेला था आपसे बेहतर खेले लेकिन आपकी आपकी इतनी सलाहियत है कि आप 170-180 बना सकते हैं तो फ्यूर कहाँ स्ट्रॉन्ग है आप बैटिंग में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या आप बॉलिंग में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कहाँ देखते हैं आप हमारा जो अभी तक जो बच्चे हैं वो बैटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी और बॉलिंग भी ठीक है ये बुरी नहीं है लेकिन पिछला मैच जो हमारे इसलिए कहते हैं कि बैटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी बैटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाँ तो कोई खास कोई बैट्समैन कोई आप ऐसा नाम लेना चाहें जो हमसे आप शेयर करना चाहें कोई ऐसा नाम आपके क्लब में हो हमारे दो हैं एक मनीष कुमार करके काफी अच्छा है अभी नया शुरू किया उसने और एक पटेल है दोनों काफी अच्छा खेलते हैं अच्छा और उसका पहला सीजन है तो अभी उन्हें काफी कुछ है जो हमको निकलवाना है मतलब वेरी गुड ये एक ऐसे ऑलराउंडर है जो कई एक जो विनिंग्स जो है आपको दे सकते हैं वो चले थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए एंड गुड लक जी आपके लिए गुड लक जी गुड लक प्योर के पटेल हमारे साथ हैं पटेल भाई आपकी बहुत तारीफ सुनी गई है आप एक ग्रेट ऑलराउंडर हैं प्योर के कुछ अपने बारे में कुछ तारुफ करें कोई हमें बताएं अपने बारे में आप अपनी दुकान में बात कीजिए नो प्रॉब्लम मैं अभी मेरा तो ये पहला सीजन है अभी ठीक है और अच्छा मौका मिला प्योर टीम से खेलने का और मैं पहले भी थोड़ा कुछ खेलता था तो उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है और डीके जी अच्छा मौका दिया है मुझे ठीक और बॉलिंग आप बॉलर आप ऑलराउंडर हो बॉलिंग और बैटिंग दोनों आप करते हैं और मैं इससे पहले भी सीजन खेला था अच्छा जी लेकिन तो बहुत साल पहले खेला था ठीक लेकिन मैं रेगुलर कोचिंग भी लिया था जबरदस्त और मैं मैच भी खेल रहा था जबरदस्त भी खेलता था तो उनका कैप्टन जी का आपका कहना है कि आप एक ऐसी मशीन हो कि जो हमें कई फतवात जो है विनिंग दे सकते हैं कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में कैसा देखते हैं आप कभी टाइम अच्छा हो और थोड़ा कुछ स्किल थोड़ी कुछ मेहनत बिल्कुल सही है तो थोड़ा खेल लेते हैं बॉलिंग विकेट मिल जाती है बॉलिंग अच्छी हो जाती है और कैप्टनशिप और टीम अच्छी है टीम सपोर्ट करती है पूरा सपोर्ट करती है आपको पूरा सपोर्ट करती है कुछ नेगेटिव अगर हुआ मिस खराब हुआ तो कोई फिर भी सपोर्ट करती है तो ये एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है जबरदस्त बॉलर को बैटिंग को एक प्लेयर को है चले आपके लिए गुड लक पटेल जी और उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह आज आप जो एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा आपकी तरफ से थैंक यू गुड लक सर ठीक है हमें इधर हमने कम से कम जो है ना 170 स्कोर करना है आउटफील्ड देख लो बहुत अच्छी है तो ये जेन मशीन कर लो सारे प्रिपेयर हो जाओ कि हमने इस तरह का मैच खेलना ठीक है गुड लक बॉयज हमारे दरमियान दो यंगस्टर हैं असद और अतीकुल्ला
और इनके बारे में जैसे हमें बताया गया है कि ग्रेट ऑलराउंडर हैं, गेंद बहुत तेज करते हैं और एक अच्छा एक ऐसा टैलेंट है जो आने वाले वक्तों को बहुत फायदा पहुंच सकता है नॉर्वे के लिए। असद भाई कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? अतीकुल्ला, सॉरी आपका नाम अतीकुल्ला, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गेंद करते हैं आप, क्या करते हैं और कहाँ से आपने क्रिकेट सीखी है, कुछ अपने बारे में बताएं हमें आप। अच्छा, मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, पाकिस्तान में बहुत ये टेनिस पे मुझे बहुत खेला है ना, उधर जी जी बड़ा हुआ हूँ। सही है। तो इधर नारो में तीन साल मेरे इधर हुए जी जी। बाबर भाई से खेला है मैंने, इधर ऑलराउंडर बॉलिंग भी कर लेता हूँ, ऑलराउंडर बैटिंग भी करता हूँ। अच्छा, सही है। तो बस शौक है क्रिकेट को, बस के तो दोनों बस करता हूँ, बॉलिंग करता हूँ, फील्डर भी अच्छा हो। तो बैटिंग भी करते हैं या? उन्होंने बहुत तारीफ की है कि आप अपनी उम्र के मुताबिक बहुत तेज गेंद करते हो, तो आया बैटिंग भी करते हैं, सिर्फ बॉलिंग में ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट करते हैं आप? मेरा जो फेवरेट है ना, मैं बैटिंग कर लेता हूँ। अच्छा, बैटिंग आप अच्छी कर लेते हैं, सही है। तो सेकंड में मैं बॉलिंग कर लेता हूँ, सेकंड में बॉलिंग भी तेज अच्छी कर लेते हैं। बस यही आपका है। अपने बारे में कोई बताना चाहेंगे आप? हमारे साथ एक यंगस्टर खड़े हुए मैच कंटिन्यू है फ्यूर का और सुरमसो का मैच है ये।